Assalamualaikum friends, आज हम बनाएंगे orange custard delight. सबसे पहले हम ऑरेंज का पल्प निकाल लेंगे इस तरह. इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख देंगे. और हमने ऑरेंजेस का जो पल्प निकाला था उसका जूस निकाल के उसे अच्छी तरह से छान लेंगे. वन ग्लास ऑरेंज जूस के लिए मैं 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर ले रही हूँ. ऑरेंज जूस की मैं जेली बना रही हूँ जेलेटिन डाल के. इस तरह जेली बना के डालने से हमें बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा. अब हम एक बर्तन में ऑरेंज जूस डालेंगे, उसे पकाएंगे अच्छी तरह और इसमें जेलेटिन डाल देंगे. थोड़ा मीठा करना चाहें तो शुगर डाल सकते हैं. अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए. अब हम वनीला कस्टर्ड बना लेंगे. कस्टर्ड हम थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे. 1/2 लीटर दूध है ये, जिसमें मैं 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालूंगी. कस्टर्ड रेडी हो चुका है. अब हम इसे बाउल में निकाल के फ्रीजर में रख देंगे. मैंने कैंडी बिस्किट लिए, आप चाहें तो अपनी मर्जी के कोई बिस्किट ले सकते हैं. केक के हम क्रम्स बना लेंगे. केक ऑप्शनल है, चाहे तो आप सिर्फ बिस्किट ही डाल लें. क्रीम के अंदर आइसिंग शुगर मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. फ्रीजर में से कस्टर्ड निकाल के इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे. कस्टर्ड को हमने इतना थिक इसलिए बनाया ताकि इसे पाइपिंग टूल में फिल करके हम इसके फ्लावर बना सकें. अगर आप कस्टर्ड इतना थिक नहीं बनाना चाहते तो इसे नॉर्मल ही बनाइए.
हम ऑरेंजेस को कट करके इसके सीड्स निकाल लेंगे। अगर आप इस तरह कट नहीं करना चाहते तो इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अब हम इसे फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कस्टर्ड की लेयर बनाई है। कस्टर्ड के बाद हम इसमें कैंडी बिस्किट की लेयर बना रहे हैं। हमारी ऑरेंज जेली अच्छी तरह से जम गई है, जो हमने ऑरेंज जूस में जेलेटिन डाल के बनाई थी। जेली के बाद हम इसमें केक क्रम्स की लेयर बनाएंगे। अगर आप किसी डिश में बनाना चाहते हैं तो वन बाय वन वैसे ही लेयर्स बनाएंगे। Thank you.
अब सबसे लास्ट में हम इसमें क्रीम की लेयर लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह का पाइपिंग टूल या पाइपिंग बैग नहीं है तो जैसा चाहें आप इसे डेकोर कर लें। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही यम्मी सा ऑरेंज कस्टर्ड डिलाइट रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।